इस वीडियो में हम आपको दिखाऊंगा BCH का जो स्टार्टर होता है 17-26 रिले लगा रहता है, तो उसका जो कॉन्टैक्ट के अंदर जो कॉयल रहता है मैग्नेट कॉयल, उसका चेंज किस तरह होता है इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। देखिए इसके अंदर जो कॉयल रहता है वो 615 वोल्ट का कॉयल लगा रहता है मैग्नेट कॉयल, जिसमें कॉन्टैक्ट में मैग्नेट होता है, और इसके अंदर जो रिले लगा रहता है वो ज़्यादातर 17-26 का रिले होता है। इसमें 5 HP मोटर आप 5 HP से 6 HP चला सकते हो, और जब पे वोल्टेज अच्छा होगा, और ये लॉन्ग टाइम वर्क करता है क्योंकि ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होता है इस स्टार्टर। और चलिए इसका जो मैग्नेट कॉयल है कॉन्टैक्ट के अंदर, उस कॉयल को किस तरह चेंज करता है इसके अभी जो आप देख पा रहे हैं, इसको कॉन्टैक्ट सेट किया जाता है, और उसका आगे जो रेड कलर का बोतम है उसको कहता है रिले, और इस कॉन्टैक्ट सेट के अंदर ही वो कॉयल लगा रहता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कॉयल कहाँ लगा रहता है। अभी ये कॉन्टैक्ट सेट का जो कॉयल है मैग्नेट कॉयल, ये ख़राब हो चुका है, तो इसलिए हमने इसको देख सकते हैं फट चुके हैं, तो इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पीछे जो आप 4 स्क्रू देख सकते हो, 1 2 3 4, इसको खोलना होगा। खोलने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए स्क्रू खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको इसको हटाना है, और अभी ये जो पत्ती है आप देख सकते हो, ये भी यहाँ पे इस तरह उठ जाएगा। देखिए ये एकदम जल चुका है, और ये टाइट हो चुका है क्योंकि वो बस्ट हो गया, इसलिए टाइट हो गया, नहीं तो आसानी से बाहर आ सकता था। अब ये टाइट हो गया, तो चलिए ये यहाँ पे लगा हुआ था, तो आप देख सकते हैं ये ख़राब हो गया, एकदम जल फट चुका है, तो इसलिए मोटा हो गया और अभी ये नहीं निकल रहा है। तो इसको अभी मैं हथौड़ी से इसको निकाल दूंगा, देखते रहिए। देखिए जब इसको ऐसे यहाँ से फेस करेगा तो नीचे जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, देख सकते हो एकदम ख़राब हो चुका है। तो अभी इसके जगह हमने और एक कॉइल लगाऊंगा, एक क्योंकि ये 220 वोल्ट का लगा दिया था लेकिन ये 400 वोल्ट का लगेगा तो इसलिए ख़राब हो चुका है, तो हमने इसको 400 वोल्ट कॉइल लगाऊंगा। देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल BCH का आप देख सकते हो, और यहाँ पे देखिए 415 वोल्ट, 380 से 415 वोल्ट में ये कॉइल काम करेगा। आपको कॉइल अब मैं दिखा देता हूँ, देखिए अभी इस कॉइल को ऐसे बैठाना है यहाँ पे, ये जो बुट का ये जो ऊंचे ऊंचे दो ये स्प्रिंग के यहाँ लग जाएगा इस टाइप से, और उसके बाद ये इसके ऊपर इस टाइप लग जाएगा इस टाइप। तो देखता हूँ पहले मैं इसको इस पे यहाँ रख देता हूँ आगे, उसके बाद यहाँ। देखिए ये हो चुका है, आप देख सकते हो ये हो गया। अभी इसको स्प्रिंग के जगह बैठाना है, तो एक स्प्रिंग खुल गया, तो मैंने इसको फिर से यहाँ बैठा देता हूँ आप देख सकते हो, और उसके बाद इसको मैं आसानी से यहाँ पे बैठाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि दोनों हाथ काम पे लेना होगा यहाँ पे। चलिए देखिए जब बैठ जाएगा तो आपको इस तरह पकड़ के रखना होगा, नहीं तो स्प्रिंग में आपको ऊपर की तरफ उठा देगा इसको। तो अभी हम क्या करें, वो जो चापा पहले खुला था इस चापे को फिर से यहाँ स्क्रू से टाइट कर दूंगा। चलिए मैं टाइट करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए मैंने पीछे चापा लग यहाँ पे एकदम कंप्लीट कर दिया स्क्रू लगा के, अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए कनेक्शन भी ये हो गया, आपको मैं सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्शन कॉइल पे दे दिया, और अभी टेस्ट करने का, तो मैंने पहले क्या करूँ, एक सप्लाई यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है।
और दूसरे सप्लाई में देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, देखिए 2 और 3 पे दिया। और अभी मैं क्या करूँ, इसमें सीरीज लैंप पे लाइन दे देता हूँ, देखिए यहाँ पे। और अभी देखिए ये अंदर चला गया और अभी ये ऑफ हो जाएगा। आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ये चालू करने के लिए, और अभी ये ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो ये ऊपर उड़ जाएगा। देखिए आप एक बार ध्यान से देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये नीचे चला गया। जब भी इसको ऑफ करूँगा ये ऊपर आ जाएगा। इस तरह ये काम होता है। फ्रेंड, इस वीडियो के बारे में आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हो, उसके बारे में मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।